ये क्या बन गया पा। इसी तरह आप लोगों ने ये पूरी लाइन मुकम्मल करनी है। अब नीचे वाली लाइन पे आ जाइए। अब ये देखिए आदि पे और ये है वाओ, इन दोनों को जब हम लोगों ने मिलाया तो क्या बन गया पे वाओ पो। चले आए हम लोग इसको लिखना सीखते हैं। लाइन से थोड़ा ऊपर अपने पेंसिल रख के आदि पे बनानी है, इसके साथ वाओ को जोड़ देना है। वाओ आपका लाइन तक आएगा, लाइन से नीचे नहीं जाएगा। ये क्या बन गया पे वाओ पो। अब यही इसी तरह आपने इस लाइन को कंप्लीट करना है। चले अब हम लोग लास्ट लाइन पे आते हैं। अभी देखिए पे वाओ पो यहाँ पे जोड़ के लिखा हुआ है, इसके साथ हम लोगों ने दाले दा को मिलाना है, तो ये क्या बन जाएगा ओ द, क्या बन जाएगा ओ द पे वाओ पो। सब बच्चे बोले पे वाओ पो दाले दा ओ द। चले आए हम लोग पौधा लिखना सीखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपने लाइन के ऊपर आधी पे बनानी है, उसके साथ अपने वाओ को जोड़ना है। तो ये क्या बन गया पो। अब इसके आगे आपने लिखना है दाल, ये दाल लाइन के ऊपर आएगा, लाइन से नीचे नहीं जाएगा। दाल के बाद आगे आप लिखेंगे अलिफ, ये क्या बन गया पे वाओ पो दाल अलिफ दा पो दा। ठीक है होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इन पिक्स में कलरिंग भी करनी है और ऊपर डेट मेंशन कर दीजिएगा 24 जून HW। ठीक है आज का डे भी मेंशन कर दीजिए। ठीक है ना, इस तरह आपने आज का डेट HW और डे मेंशन करना है और साथ में कलरिंग भी करनी है। ठीक है आप लोगों ने बहुत नीट नीट काम करना है और कल इसकी पिक बना के मुझे सेंड कर देनी है। ओके अल्लाह हाफिज़।